लाठी डंडों से पीट पीट कर अब्दुल समद की हत्या, चार के खिलाफ FIR दर्ज। रामपुर में क्राइम की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लूट हत्या बलात्कार जैसी घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी एक मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना खजूरिया क्षेत्र के गाँव लखीमपुर से सामने आया है, जहां पुरानी रंजिश और पैसों के लेन देन में अब्दुल समद और अली हुसैन के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कल शाम अपने घर से अब्दुल समद और उनके साथ इसराइल बाजार जा रहे थे कि रास्ते में अब्दुल समद की बाइक रोक ली और लाठी डंडों से धारदार हथियार से हमला कर चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। क्या नाम है? मेरा नाम रियासत हुसैन। रियासत जी, पूरा मामला जानना चाहेंगे। पूरा मामला ये है सर, पुरानी रंजिश के चलते कारण मतलब काफ़ी समय पहले गांव के ही अपोजिट बंदे तो मेरे पिताजी श्री अब्दुल समद सनाव बुद्धि और मेरा भाई इसराइल सनाव पूरा, ये दोनों लोग बाइक से दरों की बाजार करने के लिए गांव से करीब 500 मीटर की दूरी जाकर पीछे से मैं भी निकल रहा था तो सामने से मैं देखता हूँ कि एक लाल कलर की कार आती है और उस कार में से 3-4 गुंडे उतर कर पापा के और भाई के ऊपर लाठी डंडों से और धारदार हथियार से वार करना शुरू कर देते हैं। वार करते करते पापा को अधमरा कर देते हैं, कई जगह से टांग फ्रैक्चर कर देते हैं, टांग तोड़ देते हैं और भाई के भी मतलब काफ़ी टांगें मतलब उसकी भी टूट जाती हैं। उसके बाद मतलब मैं देखता हूँ तो मैं और मेरा भाई जब पीछे से पहुँचते हैं तो वो लोग आइंदा ऐसी मतलब धमकियाँ देते हुए और वहाँ से अपनी कार वापस टांडे की तरफ मौका पाकर भगा लेते हैं। मैं पीछे से पहुंचा, मैंने पापा को कार में पिकअप किया, कार बुलाई और बुला कर मैं सीधा पुलिस स्टेशन लेके गया। मैंने सारा वाक्य बताया, उन्होंने CHC भेज दिया, CHC वालों ने रेफर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए कर दिया और जहां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उपचार के दौरान पिताजी की मृत्यु हो गई और भाई को यहाँ से रेफर कर दिया, वो बरेली में। सर क्या मामला है पूरा? खजूरिया में एक गाँव है लखीमपुर, जहाँ के दो व्यक्ति इसराइल और अब्दुल समद, ये दरऊ मार्केट है बरेली में, वहाँ जा रहे थे। रास्ते में इनके गांव के ही इनके विपक्षी हैं एजाज वगैरह, उन लोगों ने इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की जिसमें ये दोनों लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। तत्काल इन्हें अस्पताल भेजा गया, वहाँ से जिला अस्पताल रेफर हुए, जिला अस्पताल से इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, बरेली जा रहे थे। रास्ते में अब्दुल समद की मृत्यु हो गई, दूसरे का इलाज बरेली में चल रहा है। इनकी तहरीर पर थाना खजूरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पंचायतनामा के बाद डेडबॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। तब इसके लिए पुलिस की टीमें निकली हैं, अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 102 दिन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ लिखा गया? 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लिखाया है, 3 सगे भाई हैं, 1 उनका पिता है।